आज मैं आपको फेमस फिलोसोफर सुकरात के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना हमें जीवन जीने का एक गुरु मंत्र भी बताती है, इसलिए आप फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे फेमस फिलोसोफर सुकरात का जन्म यूनान की कैपिटल एथेंस में हुआ था। उनकी जीवन शैली बड़ी अजीब, बड़ी विचित्र थी। एक बार क्या हुआ कि सुकरात के पास एक व्यक्ति निराश और परेशान होकर आया। उसने बड़े पेशेंस के साथ उनसे प्रार्थना की कि मैं अपने जीवन की असफलताओं से परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी सपने देखे वो कभी पूरे ही नहीं हुए। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे जीवन में सफल होने के लिए कोई गुरु मंत्र बता दें। सुकरात थोड़ी देर तो मौन रहे, शांत रहे, फिर वो अपने स्थान से उठे जहाँ वो बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे लेकर आ गए। देखते ही देखते वे दोनों नदी में चलने लगे और चलते चलते अंत में नदी के बीच में आ गए। अब हैरत तब हुई जब सुकरात उस व्यक्ति का उन्होंने सिर पकड़ के नदी में डुबोने लगे। उस व्यक्ति का सिर उन्होंने पकड़ा और नदी में उसको डुबोने लगे। इस कोशिश में क्या हुआ कि हर बार वो व्यक्ति सांस लेने के लिए झटपटाता और अपना सिर पानी से बाहर निकालने के लिए कोशिश करता रहता, लेकिन हर कोशिश के साथ सुकरात जो थे उसका सर उतनी ही तेज़ी से नदी में डुबो देते। अंत में सुकरात उसे नदी के किनारे ले आए। बाहर आकर या उस आदमी से बोले, खुली हवा में तुम राहत की सांस लो। लेकिन क्या हुआ, वो व्यक्ति कहता है, आप मुझे राहत की सांस लेने के लिए कह रहे हैं? आप कर क्या रहे थे? मेरा सर जबरदस्ती पानी में डुबो रहे थे। बहुत गुस्सा होने लगा, बोला, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो मेरी जान भी जा सकती थी, इसमें सफल होने का आपने कौन सा गुरु मंत्र छुपा रखा है? सुकरात तो सुकरात ही थे, वो शांत भाव से बोले, जब नदी के बीच में तुम्हारा सिर पानी में डुबो रहा था तो तुम्हें सबसे अधिक किसकी ज़रूरत हो रही थी? सांस के लिए, हवा की। व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, और क्या, सांस के लिए हवा की? सुकरात फिर और भी गंभीरता से बोले, सफलता के लिए यही तो गुरु मंत्र है। जीवन में देखे गए सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें भी उसी प्रकार की बेचैनी होनी चाहिए जो नदी के बीच में तुमने सांस को पाने के लिए थी। सांस होने के लिए यही झटपटाहट सब, मतलब जो तुम झटपटा रहे थे, यही सफलता का इम्पॉर्टेंट गुरु मंत्र है। इस दुनिया में सफल होने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन इसके लिए हमें त्याग, तत्परता और समर्पण, समझे, सेक्रीफाइस, हार्डवर्क और सरेंडर की कमी होती है। इसीलिए सफल होने के लिए जब आपका मन बेचैन होने लगे, आपको अपने एम के अतिरिक्त कुछ भी ना दिखाई दे, तो फिर ये मान लेना कि आपके जीवन में सफलता पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता।